महाराष्ट्र के नागपुर नगर स्थित इतवारी में निर्मित है अति प्राचीन श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर, जहां श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। श्वेतवाणी प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अतिशय ये है कि यहाँ दो बार प्रतिमा का स्वतः अभिषेक हो चुका है। नागपुर नगर की संपूर्ण जैन समाज प्रतिदिन मंदिर जी में आकर भगवान का अभिषेक शांति धारा एवं संपूर्ण भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तगण भगवान के दर्शन करने आते हैं एवं दर्शन कर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। वर्तमान में भव्य नवीन मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहाँ मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के साथ त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की जाएगी। जैन समाज के प्रयासों से निर्माणाधीन मंदिर का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसी पवित्र भूमि पर आकर एवं अतिशय युक्त श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पाकर आप भी अपना जीवन धन्य करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट। शीतल से आंस जिनवान से पूज पूजित मेरा विमल अनंत धर्म जैसे ओ जल शांत कोंते अरुमल मना मुनि शोभित नामिने में परस्प बढ़ते मान पर कल सदा करहूं धारायत सुख पायते सकल से ते मिले निज आए के हम जजते गिरी ले जाए के। ओम ह्रीम रणवो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो अज्ञायाणम नमो लोये सौवसाहूनम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतम धमम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिवृक्षं च कुरुकुरो। ओम नमः ते भगवते प्रक्षीणाशेषदोषकल्मषाय दिवितिविजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापमृत विनाशाय सर्वकृत चतुर्विनाशाय सर्वक्षामरणाम विघ्न विनाशाय। ओम राम ह्रीं रूं रौ रौ रः असे अवसा सर्वशांतिं कुरुकुरु। ओम छुम रूम पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परविघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरुकुरु परमंत्रां छिंद छिंद परमंत्रां बिंद बिंद छाम च वूमपट सर्वशांति कुरकुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अचे अवसा अनादिध्याय रवो अरिहंतान रौं सर्वशांति कुरकुरु। ओम अ्रां सी ह्रीं आ रुम ओ रोजार जगदापद विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नम सर्वशांति कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुस्वाति वंदिताय अशोक तरुस्पराजय सोमप्राय हमलू बीजाय स्वरूप तरु शांतिकराय नव शांतिम गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुर्भ सृष्टि सत्प्राति वंदिताय सुर्भ सृष्टि सत्प्राजय सोमप्राय हमलू बीजाय स्वरूप तरु शांतिकराय नव शांतिम गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जीवधनी सत्प्राति वंदिताय जीवधनी सत्प्राजय सोमप्राय हमलू बीजाय स्वरूप तरु शांतिकराय नव शांति गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चावन धसत प्राध्याय वनिताय चावन धसत प्राध्याय सोमप्राय रमली भी जाय स्वरूपधर शांतिकराय नव शांति गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन प्राध्याय वनिताय सिंहासन प्राध्याय सोमप्राय गमली भी जाय स्वरूपधर शांतिकराय नव शांति गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय पावन सत्प्राध्याय वनिताय पावन सत्प्राध्याय सोमप्राय झमली भी जाय स्वरूपधर शांतिकराय शांति गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय तुंदवी सत्प्राध्याय वनिताय तुंदवी सत्प्राध्याय सोमप्राय संभलू भी जाय स्वरूपधर शांतिकरण गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्र सहस्प्राध्याय छत्र सहस्प्राध्याय सोमप्राय खमलू भी जाय स्वरूपधर शांतिकराय नमो शांति गुरुगुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राध्याय सहिताय
विजाट मणि मणिताय सर्व घन शांति कराय नमो संजन गुरुवरो ओम ह्रीम अरम नमो जिनान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम अरम नमो वो जिनान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो परमो जिनान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो सभो जिनान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम अंतो जिनान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो कोटि विजन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो बीज विजन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम पादान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो संबिन सोदराम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो सही बुद्धि नमो सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम पति विद्युम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम भूय विद्युम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम भुज विद्युम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम युवन विद्युम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम दस पुण्य सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम तेजस पुण्य सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम अट्टमान कुशल सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो योग निवृत्तान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो विज्ञान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो पन्न चारणान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो पन्न समान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो आकाश कुंजन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो आशी विषाम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम द्वितीय विषाम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम गीतवान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम दित्तवान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम तत्तवान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो महातवान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम गौरतवान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम गौर गुणान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम रम नो गौर पकमान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नो अघोर गुण गवियान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो आमो सभ्यता सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम खेलो सभ्यता सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम जल्लो सभ्यता सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम इटो सभ्यता सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम सव सभ्यता सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो मनु विलीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम वचो विलीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम काय विलीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम खीर सम सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम नमो सप्त समीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम मोह समीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम अग्नि समीन सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम अखिल महासान सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम वर्धमान बुद्ध सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम सव सिद्धाई धर्म सर्व शांतिर्भवतो ओम ह्रीम भगवतो महोदय महावीर वर्धमान सर्व शांतिर्भवतो तव भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुर राज के भद सुख द्रव दारी द्रव द्रव स्वचक्र प्रचक्र भ्रव प्रचंड पुराण भ्रव शाकिन नटी भूत विषाय प्रदुत भ्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि सदान यंतो श्री शांत रस्तो श्रीमस्तो ज्येष्ठो नित्यम मनस्तो सर्वेशां दुष्यस्तो खुशिस्तु समृद्धो कल्याणमस्तु सुखमस्तो अभिरजतो दीर्घास्तु कुलभूत धनानि सदा संतो सद्धर्म से बलाय आरोग्य ईश्वर अभिरजतो ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगलमूर्त मुक्त भवन्तु संपोजकाना प्रतिपादकाना वेति सामा तपोदान देशेषदासस्य पुरस्य राज्ञ करोति शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोति शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोति शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की जय। महाराष्ट्र के नागपुर नगर स्थित इतवारी में निर्मित है अति प्राचीन श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर, जहाँ श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। श्वेतवाणी प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा का अतिशय ये है कि यहाँ दो बार प्रतिमा का स्वतः अभिषेक हो चुका है। नागपुर नगर की संपूर्ण जैन समाज प्रतिदिन मंदिर जी में आकर भगवान का अभिषेक शांति धारा एवं संपूर्ण भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तगण भगवान के दर्शन करने आते हैं एवं दर्शन कर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। वर्तमान में भव्य नवीन मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहाँ मूल नायक प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की वेदी के साथ त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की जाएगी। जैन समाज के प्रयासों से निर्माणाधीन मंदिर का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसी पवित्र भूमि पर आकर एवं अतिशय युक्त श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पाकर आप भी अपना जीवन धन्य करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट।